कोलकाता इंसिडेंट को लेकर देश भर के साथ साथ जम्मू में भी किया जा रहा प्रदर्शन। अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं भी प्रभावित डॉक्टर्स द्वारा लगाई जा रही है। इंसाफ की गुहार, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.9 रही तीव्रता। बता दें कि जम्मू कश्मीर से मंगलवार तड़के धरती कांपने की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई है। भूकंप आने से लोगों में डर का माहौल है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से किसी भी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। जम्मू कश्मीर की पूंछ में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 बच्चों और महिलाओं समेत 12 लोगों को बनाया निशाना। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में आवारा कुत्तों ने आतंक मचा दिया है। कुत्तों के हमले से 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें 4 स्कूली बच्चे भी शामिल है। ये घटना पूंछ जिले के मेंढर इलाके की है, जहां गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक घायल लोगों में कुछ प्रवासी मजदूर भी हैं। विधानसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी, 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की सीटों पर चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन सीटों से आज अधिसूचना जारी कर दी है। पहले चरण में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। जम्मू में देर रात हुई तेज बारिश, लोगों को मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू में बारिश का सिलसिला 25 अगस्त तक रुक रुक कर होने की संभावना है। ऑल जे एंड के पीएजी के समाज फ्रंट ने आज पत्रकार वार्ता कर आरएसपुरा जम्मू साउथ असेंबली सीट के लिए बीजेपी से मांगा कुंची समाज का उम्मीदवार। कहा मांगे पूरी न होने पर दूसरे विकल्पों पर किया जाएगा विचार। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह हुए कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। उन्होंने लिखा है कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने को कहा गया है।